सोनीपत से जानकारी आ रही है, जहां जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। यहां आपको बता दें कि कैदियों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, बड़ी लापरवाही, एक कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एक कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसके बाद से देखने को मिली है। आपको बता दें कि तस्वीरें सोनीपत की दिखा रही है, ऐसी जेल में ये कांड हुआ है। आपको बता दें कि खूनी संघर्ष देखने को मिला है कैदियों के बीच में, और सब बड़ी लापरवाही के चलते एक कैदी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी सोनीपत से, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत की जेल है जहाँ कैदियों में खूनी संघर्ष हुआ, और इसमें एक कैदी ने दूसरे कैदी की गला दबाकर हत्या कर डाली है। बड़ी जानकारी, और इस तरह से जिस तरह से मसला सामने आया है, जो प्रशासन है उस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, जेल प्रशासन पर लापरवाही को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोनीपत की डिस्ट्रिक्ट जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां कैदियों के अंदर खूनी संघर्ष हुआ और इसमें एक कैदी की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक कैदी ने दूसरे कैदी को गला दबाकर जान से खत्म कर दिया, जिसके बाद से जेल प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, सोनीपत से तस्वीरें आ रही हैं, खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है, लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन जेल के में एक लापरवाही देखने को मिली है, जहां जेल के अंदर जो है एक कैदी का जो है कल ही उसको शिफ्ट किया गया था, और शिफ्ट करने के बाद जो है देर रात ही उसको जो है उसका जो मर्डर हो गया है, यानी कि जो मृतक जगबीर है कासंडी निवासी था, और जो शनिवार को ही जेल में आया था, और जेल के अंदर आपस में कैदियों में झड़प होने के कारण जो है गला दबाकर और फांसी का फंदा लगाकर जो है उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल जो है पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन पर है। मौके पर जो है चिट्ठी थाने प्रभारी जो देवेंद्र सिंह है और SFL जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल जो है मृतक जगबीर जो संजय बुटाना जो है, इससे पहले एक मर्डर हुआ था और उसके केस में आरोप उस पर लगा हुआ था, और उसी के आरोप में ये कल उसको जेल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल जो है मौके पर सिविल हॉस्पिटल में शव को रखवाया गया है, और मौके पर परिजन भी पहुंचे हुए हैं, और पूरे मामले में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से जेल में इस प्रकार की हत्या का अंजाम देना, तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, सवालिया निशान खड़ा होता है कि प्रशासन की निगरानी में ही कैदी सेफ नहीं है तो किसी उसमें सेफ रहेगा? जी बिल्कुल राम, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी, जेल प्रशासन में जो तमाम अधिकारी हैं उनमें से किसी से बात हो पाई आपकी? देखिए, जिस जेल प्रभारी से भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन सिटी थाना जो अंतर्गत आता है उसके प्रभारी से बातचीत जरूर हुई है, तो उन्होंने मौके पर यही एक बात बताई है कि अंजाम जो है कैंटीन में खाना खाने के लिए बाहर निकाला गया था, तो कुछ कैदियों में आपसी में झड़प हुई थी, और झड़प के दौरान ही लात गुस्सा पीटने के बाद उसे गले से जो कपड़ा बांधकर उसको फंदे से उसको जो है मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल जो है टीम बुलाई गई है, और टीम बुलाकर पूरे का पूरा जो है मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2008 में जो एक संजय बुटाना का मर्डर हुआ था, और उसी के तहत जगबीर को, जो मृतक जगबीर है, उसको कल जेल में भेजा गया था, और जेल में देर रात जब भेजा, कल दिन में इसको भेजा गया था, और रात को ही घटना को अंजाम दिया गया, और जो मृतक जगबीर है उसको गले के में कपड़ा डालकर हत्या करने का मामला सामने आया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेल के अंदर जिस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जेल का प्रशासन जो है वो कहाँ था, इस पे सवाल खड़े होते हैं कि जब खाना खा रहे तो मौके पर निगरानी होती है, और निगरानी के दौरान ही। बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यकीनन कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं जेल प्रशासन के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और